हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल डिजिटल मार्केटिंग लैंड में स्वागत है। मैं चिराग आपके सामने लाया हूँ डिजिटल मार्केटिंग से एक नया ट्यूटोरियल। दोस्तों, अपने ट्यूटोरियल पर जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की बेल आइकन दबाएँ, जिससे मेरे आने वाले सभी न्यू ट्यूटोरियल की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने आज के ट्यूटोरियल की ओर। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करा था, तो दोस्तों मेरी पिछली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, जिससे मेरे आने वाले सभी ट्यूटोरियल इजीली समझ सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल्गोरिथम्स की। और अपने टॉपिक पर बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एल्गोरिथम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है, तो मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों देखिए, एल्गोरिथम जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एल्गोरिथम इज अ कंसेप्ट जिसकी वजह से सभी सर्च इंजन की जो रैंकिंग होती है तो इसकी वजह एल्गोरिथम ही होती है। मतलब जो रैंकिंग आपकी वेबसाइट को मिलती है वो एल्गोरिथम के थ्रू ही मिलती है। गूगल में दोस्तों कई तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे कि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो गूगल ऑटोमेटिकली यूज़ उसे करेक्ट कर देता है। तो दोस्तों उस एल्गोरिथम को बोलेंगे स्पेलिंग चेकआउट एल्गोरिथम। दोस्तों अगर जैसे गूगल में आप टाइप करते हैं तो गूगल ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपको दे देता है, तो इसको बोलते हैं ऑटो सजेशन एल्गोरिथम। तो दोस्तों इस तरह के गूगल के बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जो रैंकिंग के लिए यूज़ होते हैं और कस्टमर की सहूलियत के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं गूगल इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट एल्गोरिथम्स। तो दोस्तों इसलिए एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों ये हमारे गूगल के एल्गोरिथम्स होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे एल्गोरिथम्स हैं जो गूगल में यूज़ होते हैं। तो दोस्तों पहला एल्गोरिथम में हमारा पेज रैंक, फिर स्पेलिंग चेक, सिनोनियम चेक, ऑटो कंप्लीट, क्वेरी अंडरस्टैंडिंग, सेफ सर्च, यूज़र कंटेस्ट, मालवेयर डिटेक्शन एल्गोरिथम। दोस्तों ये सारी एल्गोरिथम हमारे गूगल में यूज़ होती हैं। दोस्तों जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है वो है पेज रैंक एल्गोरिथम। तो दोस्तों ये एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो दोस्तों जब गूगल फर्स्ट डेवलप हुआ तब उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम रखा गया था पेज रैंक। तो दोस्तों पेज रैंक का मतलब ये है, जब किसी वेबसाइट को डिफरेंट वेबसाइट से लिंक्स आते हैं, लिंक्स मतलब दोस्तों रेफरेंसेस आते हैं, तो एल्गोरिथम ने ये डिफाइन किया कि किसी वेबसाइट को तो अच्छे क्वालिटी के बैक लिंक्स आते हैं, अच्छे रेफरेंसेस आते हैं, तो उस वेबसाइट की पेज रैंक ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और दोस्तों उसी तरह से कुछ वेबसाइटों को बेकार क्वालिटी के, मतलब डल क्वालिटी के लिंक्स आते हैं और किस और लिंक्स आते भी नहीं है, तो उसकी वेबसाइट की पेज रैंक ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है कि ये कहने में सिंपल है, बट ये सिंपल होता नहीं है इतना, तो इसे हमें बहुत ध्यान से करना होता है, बहुत ध्यान से लिंक सबमिट करने होते हैं, जिसमें हमारा यूआरएल टाइटल भी जाता है, कीवर्ड्स भी जाते हैं, डिस्क्रिप्शन भी आती है। तो दोस्तों हमें इसे बहुत ध्यान से करना होता है, ये बताने में बहुत ज़्यादा मैं इसे सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों जितनी ये आपको पता चली गया होगा कि जितने अच्छे रेफरेंसेस आएंगे उतनी अच्छी वेबसाइट आपकी पेज रैंक करेगी,
दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारी पेज रैंक होती है वो 1 से 10 तक होती है। तो दोस्तों आप कोई भी वेबसाइट को देखेंगे तो वो इन्हीं इसी रैंक के अंडर मिलेगी दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि हम अपनी वेबसाइट की पेज रैंक चेक कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिसके लिए हमारे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। जैसे कि हम यूट्यूब की पेज रैंक मालूम करते हैं तो हम एक एलेक्सा टूल होता है दोस्तों, जिसे आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट की या किसी पेज की पेज रैंक का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यूएस में इसकी रैंक है 2, और एलेक्सा अपनी खुद की एक ट्रैफिक रैंक प्रोवाइड कराता है तो वो भी 2 है दोस्तों। ऐसे आप और वेबसाइटों की भी चेक कर सकते हैं, जैसे अमेजॉन की देख सकते हैं दोस्तों। जैसे हमने अमेजन की वेबसाइट के सर्च करा तो दोस्तों हम इसकी वेबसाइट अगर चेक करते हैं तो इसकी इंडिया में 6 है और एलेक्सा की ट्रैफिक रैंक में 98 है। मतलब एलेक्सा सारी वर्ल्ड वाइड को सर्च करके वेबसाइटों में ला कर उसमें हमारी रैंक दिखाता है, और इंडिया में सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री जैसे इंडिया हमने सेलेक्ट कर रखी है, इसमें हमें इसकी जो रैंक दिखा रहा है वो दिखा रहा है 6। तो दोस्तों ऐसे आप बहुत सारी वेबसाइटों के रैंक पता लगा सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से एक होता है हमारा मॉज टूल, जिसमें हम अपने पीए और डीए के बारे में पता लगा सकते हैं दोस्तों। पीए और डीए क्या होता है? जब पीए होता है हमारा पेज अथॉरिटी होती है, और डीए होता है डोमेन अथॉरिटी। तो दोस्तों इन दोनों की जो लिमिट होती है वो हमारी 1 से 100 तक होती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अपने जैसे हमने डाला, हम किसी कीवर्ड को सर्च करते हैं, जैसे हमने करा शूज, तो दोस्तों यहाँ पे हम मैंने अपनी मॉज जो टूल है उसे हम मैंने इनेबल कर दिया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ जो कि दोस्तों ये शूज़ कीवर्ड ना बहुत ज़्यादा इजी है, मोस्टली सभी यूज़ करते हैं। तो इसकी जो आप देख रहे हैं कि कुछ वेबसाइटों में पीए कम है, डीए ज़्यादा है, किसी में पीए कम है और डीए भी सेम है उसी के इक्वलेंट। तो दोस्तों पी और डीए क्या होती है दोस्तों? ये वैसे अगर किसी कोई अपनी पेज रैंक चेक नहीं कर पा रहा है तो आप इसके थ्रू भी आप अपनी वेबसाइट की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, और अपने इसको देख के, इसके रिजल्ट को देख कर अपने कंटेंट में और ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं, जिससे आप आपकी पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी की रैंक अच्छी हो जाए। तो दोस्तों ये वो मॉज टूल है, ये मोस्टली उन लोगों के लिए है जो अपनी पेज रैंक चेक नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा पेज रैंक के बारे में, पेज रैंक एल्गोरिथम के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो, या अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ कमी लगे या आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके या मेरे को वेबसाइट पे मेल कर सकते हैं। अगर मैं ऑनलाइन आता हूँ तो आप ऑनलाइन मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं आपको ऑफलाइन ऑप्शन पे भी आप अपने मैसेज
मेरे को मेल कर सकते हैं। दोस्तों जब बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना नाम, ईमेल और मैसेज ये आपको सबमिट करने होंगे, जिसके आपको आंसर आपकी मेल आईडी पर मिल जाएंगे। और दोस्तों मेरी वेबसाइट की को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको सारा कंटेंट जो है वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो दोस्तों आज सिर्फ इतना ही। थैंक यू।